कान्हा देवी 22 अप्रैल 1916 - 17 जुलाई 1992 एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका थी। वह भारतीय सिनेमा की शुरुआती गायन सितारों में से एक थी। उन्हें बंगाली सिनेमा के पहले सितारों के रूप में लोकप्रिय माना जाता है। उनकी गायन शैली आमतौर पर तीव्र गति में न्यू थिएटर्स कोलकाता की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों में वाग यात्रा के रूप में इस्तेमाल की गई थी। कान्हा का जन्म 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ था। अपनी आत्मकथा जिसका शीर्षक साबरे आमी नामी है में कान्हा ने लिखा है कि जिन्हें वह अपने माता पिता मानती थी वे रतन चंद्र दास और राजगोपाल थे जो एक साथ रहते हैं। अपने दत्तक पिता रतन चंद्र दास की मृत्यु के बाद युवा कान्हा और राजगोपाल को बस अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया था। उनकी जीवन कहानी गरीबी से अमीरी तक की सच्ची कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हावड़ा के सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल से की। एक शुभचिंतक तुलसी बैनर्जी जिन्हें वह काका बाबू कहती थी कान्हा को तब पेशा किया जब वह केवल 10 वर्ष की थी मदन थिएटर ज्योति स्टूडियो में जहां उन्हें जयदेव में एक छोटी भूमिका लिए गाया। उसके बाद 1927 में शंकर राचार्य में काम किया गया कान्हा बालाकार रूप में। कान्हा ने मदन थिएटर प्रोडक्शन के साथ काम के कम 5 फिल्में की। रूसियर पेमर चोरे बस्टर विष्णु माया और पहाड़ अंतिम में 2 में पूर्ण प्रधान भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने 1933 से 1936 तक राधा फिल्म्स के साथ काम किया। फिर 1937 से 1941 तक न्यू थिएटर्स के साथ 1942 से 1948 तक एमपी प्रोडक्शन के साथ काम किया। अंततः 1949 से 1965 तक अपना खुद का लेबल श्रीमती पिक्चर्स स्थापित किया। एक बाल कलाकार के रूप में मुख्य फिल्म भूमिकाओं में से कान्हा ने टोकी फिल्मों में सफल बदलाव किया और जोरे भरत मानुवाई गर्ल्स स्कूल खूनी कौन और माँ से पहचाने गए।